साथ में प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। खबर है जनपद कासगंज से। आपको बता दें, जनपद कासगंज के अपराधियों व अपराधियों के विरुद्ध कासगंज पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि थाना पटियाली व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से संचालित की जा रही शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। बताया जा रहा है कि दो साथी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। वहीं कब्जे से 10 नाजायज तमंचे, 315 बोर और 6 जिंदा हुआ दो खोखा कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में अधभरी शस्त्र, जिनसे करीब 20 अवैध तमंचों का निर्माण किया जा सकता है, वह शस्त्र बनाने के उपकरण कई बरामद किए गए। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए मोहित वर्मा की रिपोर्ट। ये क्या कुछ कार्रवाई, कहां-कहां से भेजते? थाना क्षेत्र पटियाली में भरगेन क्षेत्र में एक अवैध तमंचों की फैक्ट्री चलने की सूचना एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। सूचना पर विश्वास करते हुए एसओजी टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन करके वहां पर दबिश के लिए भेजा गया था। उस जगह से दो व्यक्ति, एक का नाम मुशीर अहमद पुत्र अली मोहम्मद और दूसरा आनंद पुत्र पन्नाला, ने दोनों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं का वो मकान था जिसमें ये कार्य जो है वो चल रहा था। इसमें 10 जो है वो तमंचे, 315 बोर के, 5 जिंदा कारतूस, 1 नजिंदा कारतूस, 32 बोर का, अन्य कुछ ऐसे औजार मिले जो फैक्ट्री में अवैध तमंचों के इस्तेमाल होते हैं।